उपमंडल सलूनी के भांडल सेक्टर में दर्जनों गांव ऐसे हैं जो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। भले ही आजादी के 7 दशक हो गए हो, मगर इनके लिए कोई मायने नहीं है। हालांकि इनकी पंचायत का निचला क्षेत्र आज सड़क माध्यम से जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ चुका है, लेकिन इनके लिए सड़क मार्ग से जुड़ना एक सपने के समान है। क्षेत्र के ग्रामीण दुविधा में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ग्राम पंचायत सलूर के गांव शलंग गधेतरा थूडला शाली पुनहेल गलही गिटवाली में आज तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। स्थानीय लोगों में राकेश ताजदीन, महबूब मदन, असलम, सुदेश कुमार आदि ने बताया कि उनके गांव की लगभग 800 की आबादी है, जहां आज तक कोई भी सड़क सुविधा नहीं है। सरकारें आती रही जाती रही, मगर उनकी समस्या पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसका खामियाजा गाँव की गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, जब किसी गर्भवती महिला को अस्पताल तक लाना पड़े तो उसकी जान पर बन आती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनके क्षेत्र को सड़क सुविधा से जोड़ा जाए, ताकि उन्हें परेशानी न झेलनी पड़े। वहीं ग्राम पंचायत सलूर की प्रधान भोटी देवी ने कहा कि उक्त गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए विधायक आशा कुमारी से बात की गई है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं और इस मार्ग का सर्वे भी हो चुका है, परंतु कोरोना के चलते ये कार्य अधर में लटक गया है। आर्या टाइम्स वेब टीवी डेस्क रिपोर्ट। हमारा शलन गढ़ेतरा गाँव वासियों का ये अनुरोध सरकार से है कि हमारे गांव में रोड पहुंचना बहुत जरूरी है। आज की डेट में सरकार ने हर गांव में सड़कें बनाई हैं, लेकिन हमें फिर वही डिपो से, दुकान से राशन पीठ पे उठा के लाना पड़ रहा है। यही हमारी गुजारिश है सरकार से कि हमें रोड जल्द से जल्द हमारे गाँव तक पहुँचाएं। धन्यवाद सर। पहले तो धन्यवाद मैं आप लोगों का करता हूं, जो कि आप मीडिया वाले हमारे इस गांव में, गरीब बस्ती में पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद कई सालों से हमारे प्रस्ताव पंचायत में भी गए, प्रशासन के पास भी गए, लेकिन आजकल करते ये टाइम गुजर चुका है। अगर हम आपको अपनी स्थिति बताएं कि कैसी स्थिति है हमारी, अगर हम अपनी पीठ को दिखाएं, पीछे मुड़ के अगर ऐसे दिखाएं, तो सरकार, गवर्नमेंट, जो भी हिमाचल सरकार है हमारी, हैरान हो जाएंगे हमारे हालात देख के। ये देखिए सर, आप थोड़ा जरा कैमरा जो है ये देखो, ये जितनी भी जमीन है इसमें आलू, थ्रास बीन, मटर वगैरह बीजते हम खुद, हमारे को उठा के यहाँ से। वो देखिए सर, वो रोड जो है कितनी दूर है हमारे गाँव से, और वो देखिए सर, वो रास्ता जो आता है ढांक से नीचे, इस ढांक से नीचे हम उतरते हैं और यहाँ से ऊपर हमारी पीठ के ऊपर बोरियां जो जाती है तो सीधे रोड में जाती है। तो सर हमारी गुजारिश है आप लोगों से कि सबसे पहले तो आप लोग हमारी जो बात है रोड के बारे में, जो समस्या है, वो आप हिमाचल गवर्नमेंट तक, प्रशासन के पास पहुंचा सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बारे में हमारी अभी तक भी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि हमारा ख्याल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रोड का जो ये मार्ग है भटोली से लेकर घनेतरा के लिए, घनेतर वासियों के लिए, इसके साथ जो है कई हल्के जो हैं हमारे इलाके में, बहुत से क्षेत्र बाद के छोटे छोटे कस्बे हैं। रोड तो होनी चाहिए जी, रोड का तो यही रोना है। अब हर घर के लिए रोड मिल रही है, हमारा इतना बड़ा गांव है, इसके लिए किसी रोड से जोड़ा नहीं जा रहा, न इधर बांदर से जोड़ा जा रहा है, न इधर क्यार से जोड़ा जा रहा है, न भटोली से जोड़ा जा रहा है। आश्वासन तो सब देते हैं, बाकी काम तो कोई नहीं करवा रहा है, ना कुछ हो रहा है।